क्या हो गया? क्यों सैड फील कर रहा है यार? सवेरे से तैने बर्गर खिला दिया मैंने, चीज वाला फिर भी जेंटलमैन. अरे यार सुनो, एक काम करो, इसको मेले में ले जाओ, सामने लगा हुआ है ना, और जाइंट व्हील पे इसको संभाल के बिठाना बिल्कुल, ठीक है? बाद में मलाई कुल्फी खिला के फिर लाना है इसको, ओके? जा बेटा घूम के आज, तू बोर हो रहा है, मन ने बताया. चलो कम ऑन बॉय, करते रहो करते रहो करते रहो. हेलो हेलो. ओहो, मारी तेरा टीम तिगड़ी. क्या हाल है, कैसी चल रही प्रैक्टिस? फर्स्ट डे कैसा रहा आज? अरे कैसी बात कर रही है छोड़ाला, हम जैसा खतरनाक स्विमर अगर सिखाएगा तो ये कैसे नहीं सीखेंगे? हमने खूब सिखाया और इन तीनों ने भी खूब सीखा है. अरे वाह, गोपी तैने के सीखा भाई. वाला मछली जल की. इसका मतलब ये है कि हमने इसे मछली की तरह तैरना सिखाया. ऐसे ऐसे. गुड गुड. और गुलगुले तैरने के सीखा? तो मैडम मैं ठंडे ठंडे पानी से. हाँ माँ, डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए. पानी ठंडा हो या गर्म, डरना नहीं चाहिए, सीधा उसमें कूद जाना चाहिए. कूद जंप. गुड गुड. मतलब बहुत जोर शोर से एकदम चल रही है प्रैक्टिस, बढ़िया. संगीत की दुनिया के मेरे दोस्तों, छिछोराइन चंचल ऑर्केस्ट्रा ग्रुप आप सभी अलीगढ़ वासियों का हार्दिक स्वागत करता है. चंचल चंचल चंचल, शो शुरू हो गया चंचल. तुम यार जाओ ना, ढंग पे जाओ ना, ढंग पे जाओ. तो संगीत की इस महफिल में मैं और मेरी साथी गायिका चंचल आप सबको मस्त कर देंगे. चंचल जब गाती हैं तो लता की भतीजी, आशा की भांजी, चंचल को मत लीजिए अलका, इनके आगे फेल है अलका. तो लीजिए, 200 रुपए नगद आए हैं श्याम नारायण जी की तरफ से. अब मैं माइक जो है चंचल के हाथों में दे रहा हूं. चंचल आपके लिए बेहतरीन गाना पेश करेंगी. चंचल गाओ. गाओ, लोग देख रहे हैं. चंचल चंचल माइक तोड़ दिया लोग. चल भोगा सही गुरु दक्षिणा दे रहे हो भैया हमें तुम. छिछोरा और चंचल ऑर्केस्ट्रा की चंचल बना दिया हमको तुमने, हैं? अरे सर, अबे? सर छोड़िए सर. अबे तू यो ना अपना भूलना उलना बंद कर ले तू, वरना गले में पत्थर बांध के कुएं में फेंक दूंगी तेरे में एक दिन. सॉरी मैडम. स्विमिंग पे ध्यान दो सब लोग बस. और गुलगुले माय फ्रेंड. हाँ गोपी, बोलना यार. मैं क्या बोलना यार, मैं सोच रहा हूँ यार, वही कितने साल हो गए हमें काम इकट्ठे करते हुए, कितने साल ऐसे निकल गए पता नहीं चला. मतलब तू है ही ऐसा आदमी ना, तेरे साथ टाइम का पता ही नहीं चलता. मजा आ गया यार इतने सालों में. ये तो है यार. देखा, तुम्हें याद है जब मैं बीमार हो गया था एक बार? हाँ. तू मेरे लिए दवाई लेके आया था. हाँ 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 हाँ. वो दिन कैसे भूल सकता हूँ यार मैं. अरे गोपी, वो तो कुछ नहीं है यार. तुझे याद है जब इस शहर में इतनी बारिश आई थी और मैं गंदे नाले में गिर गया था? यार गोपी, तूने अपनी जान पे खेल के मुझे बचाया था यार, और गंदे नाले में तू गिर गया था फिर. यार दोस्ती इसी को कहते हैं, आदमी दुख सुख में बस एक दूसरे के काम आए. ये बात तो सही है यार गोपी. मैं थोड़ा काम सा तेरे साथ. बोलना गोपी, क्या काम है? हमेशा तेरे लिए हाजिर हूँ यार, तू बोल. एक 250 रुपए तो दे. क्या 250 रुपए? क्या एक 250 रुपए दो यार. क्या क्या? मुझे 250 रुपए चाहिए यार, थोड़े पैसों की जरूरत है मुझे. पैसे नहीं है मेरे पास यार. एक 250 रुपए नहीं दे सकते तू मुझे? नहीं, पैसे नहीं है ना. है ही नहीं ना, तो कहां से तू पैसे? नहीं है मेरे पास. कमाल करते हो यार तुम. यही प्रॉब्लम है तेरी गोपी, यही तेरी प्रॉब्लम है. थोड़ी अच्छी प्यार भरी बातें क्या कर ली, चेप हो जाता है तू. मैं चेप हो जाता हूँ? हाँ और क्या. 250 रुपए मांग लिया, मैं चेप हो गया हूँ? हाँ तो 250 रुपए क्यों मांग रहा है, चेप हो गया ना तू. तू बड़ा भाई मानता ना मुझे? कौन बोला? तूने अभी बोला ना बड़ा भाई. कब बोला? अभी बोला तूने. मैंने नहीं बोला. कौन सा बड़ा भाई, कैसा बड़ा भाई? मैं किसी बड़े भाई को नहीं जानता हूँ. मुझे नहीं मालूम था, झूठा आदमी है तू. ए तमीज से बात कर गोपी. तू तमीज से बात कर. अबे तू मेरी बात सुन. क्या क्या है क्या तू है क्या? भैया चलो, चंपी का टाइम हो गया. कोई चंपी चुम्बी नहीं करवानी मुझे.
मेरे जीजू कमिश्नर है। अरे बाहर मैं कहता है जीजू 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 को लगा रखी है जीजू। हट, आज एक नौकरी जाएगी इस चौकी से। अरे कौन सी नौकरी, कौन सी नौकरी, क्या करेगा तू? बिल्लू का हाथ छोड़ दो, छोड़ दे पीछे, बिल्लू का हाथ छोड़ दे, पीछे हट तू, छोड़ दे बिल्लू का हाथ, पीछे हट तू, अरे पीछे हट तू, क्या हाल तुझे? कुछ कस में वादे हुए थे अभी कुछ जो है कि गणपति बप्पा का जो है फेस्टिवल आ रहा है तो हम सुख शांति मेंटेन रखेंगे। शांति की क्रांति हो गई यहाँ, बताओ। अरे भाई गोपी, रो मत गोपी, रो मत। एक मिनट। अब इतना बिल्लू आजा। यार चंपी कर, तू तो मेरा भाई है, छोटा छोटा प्राय यार। मैं तो पहले ही बोल रहा था ना आपको भैया, चलो आज नई स्टाइल की चंपी करूंगा। हाँ कर कर कर। नौटंकी ससुरे, यहाँ सास बहू ड्रामा चल रहा है। अबे डेली सोप, स्विमिंग सीखने जानी है क्लास, भूल गए मैं याद दिलाऊं? ओह माय गॉड, गुलगुले तुम एकदम जाते हो भूल इस दा, आज है स्विमिंग स्कूल इस दा। हाँ सर, तो कब के वहाँ पे पहुँच भी गए होंगे ना। अबे तो निकलो ना यार। चलो 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 क्लास के लिए चलो। करो बेटा करो स्विमिंग। यार लोग स्विमिंग करते क्यों है भाई? घर पे जाके नहा नहीं सकते? सर 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 हम आ गए सर। अरे वाह गुड बॉय, नाइस टाइम है। टाइम पे आते हैं सर हम लोग। चलो शुरू करें। रेडी रेडी। मछली जल की रानी है। सर आज फिर से ये मछली जल की रानी है गाना पड़ेगा? गाना पड़ेगा। और सर फिर वो आपका ठंडा ठंडा पानी से नहाना चाहिए रोज का सर, वो भी करना पड़ेगा। Well, sir, कब आएगा स्विमिंग सीखने का सीजन इस दा? आप हमें क्यों नहीं सिखा रहे? What is the reason is the? बात ये है कि बात आईने और मेरे दांतों की तरह साफ है सर। सर सच तो ये है कि स्विमिंग के नाम पे जो प्रेशर कुकर गैस पे चढ़ा है वो फेकू बड़ा है। वो खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं है सर। Well, गुलगुले जो भी कहना है कहो क्लियर कट इज दा, मैं इतना समझदार नहीं हूँ जितना पंजाब दा जट इज दा। मैं जो कह रहा हूँ वो बात सर बखूबी समझ चुके हैं। क्यों सर? लेकिन हम तो नहीं समझ चुके हैं ना। hey, hey! हमें भी तो समझाइए, बताइए ना आप क्या बोल रहे हैं, खुल के बताइए जरा। तो खुल के बताता हूँ, सच ये है कि सर को स्विमिंग आती नहीं है। Oh my God, is the सर की तो है फ्रॉड is the। अबे तमीज से बात कर बे। हैं? सच तो ये है कि हमें स्विमिंग नहीं आती। मैंने भी वही कहा ना सर। हाँ तो मैं तो ये वही कह रहा हूँ। अरे अबे अबे तो वो कौन था जो बनारस के गंगा घाट पे सुबह से लेके शाम तक
तैरता रहता था। हम नहीं थे। वो कौन था जिसने मछलियों को तैरने की ट्यूशन दी थी? आई डोंट नो। वो कौन था जिसने बड़े बड़े मगरमच्छों को और शार्कों को तैरना सिखाया? पता नहीं। बोलिए सर, बोलिए बोलिए, आपको बोलना होगा सर, वो कौन था? अबे बिल्लू चुप बैठ, चमार देंगे रखे, ज्यादा चूचा ना कर, सस्पेंड कर देंगे तेरे को। सस्पेंड तो सर यहाँ पे अभी कोई और होगा, जब मैं जीजू को फोन करके सारी असलियत बताऊंगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। बेकर, चल, सर चल चल चल, चल, चल। प्रभा एक मिनट होल्ड करो खाली। मालती तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं करोगी? मालती सच सच बताओ, दूसरी लाइन पे प्रभा है। ये मत समझो कि तुम्हारा प्रकाश निकम्मा है, मेरे पास भी ऑप्शन है, मैं भी दूसरी शादी कर सकता हूँ। और ये रंगीन चश्मे पहन के तुम अपनी आंखों से सच्चाई नहीं छुपा सकती हो मालती, ये सब जो मैं अभी जीजू को फोन करूंगा, अभी इसी वक्त। अरे एक मिनट यार, रुक यार, रुक रुक। सर मैं क्या कहता हूँ सर, सर आप जरा दीजिए पतंग को ढील और बीच में कर लेते हैं एक डील। नहीं एक मिनट, एक मिनट सर, देखिए वैसे सच ये है कि हम तीनों में से भी किसी को स्विमिंग सीखने का कोई खास शौक है नहीं, तो हम एक काम करेंगे, हम जाके मैडम से कह देंगे कि हमने स्विमिंग सीख ली, और आप जाके मैडम से कह दीजिएगा कि आपने हम तीनों को स्विमिंग सिखा दी। खत्म बात। इस तरह से सर आप स्विमिंग सिखाने से बच जाएंगे और हम लोग स्विमिंग सीखने से बच जाएंगे, तो बोलिए सर सौदा मंजूर है? वेल सर मत कीजिए इतना सोच विचार, इस दा मेरी सास ने मुझसे डलवाया नींबू का अचार। जूस मंगाओ हमारे लिए, हमें मंजूर है। फिर तो कुछ सैंडविच भी हो जाए सर। हो जाए लेट जा, लेट जा। क्या रखा है तैरने में? अंडर वाटर पानी बिच एड्डी वड्डी मच्छी सी। वाह मारे माइकल फेल्प्स है जी, क्या बात है, बिल्कुल तैराक हो गए दो दिन में। मैडम दो दिन तो सर को ज्यादा मिल गए, उन्होंने तो दो घंटे में कई लोगों को स्विमिंग सिखा दी है। अरे मैडम सर क्या सिखाते हैं स्विमिंग, क्या सिखाते हैं, और उनको अगर पानी में तैरते हुआ देख लो तो ऐसा लगता है जैसे कोई केचुआ पानी में बिलबिला रहा हो। मैडम जब पहली बार मैंने सर को पानी के अंदर देखा ना, तो मुझे लगा कि इनके पिताजी का नाम चबूतरा पांडे तो हो ही नहीं सकता, इनके पिताजी का नाम होगा समुंदर पांडे, और इनकी मम्मी का नाम सुमन पांडे हो ही नहीं सकता, उनका नाम होगा सुनामी पांडे। या मॉम आई एम वेरी हैप्पी इज द, बच्चों को पहनाते हैं नैपी इज द। ओहो मैडम, और ना जाने सर के अंदर कितने गुण है जो वो दिखाते नहीं है, मतलब छिपा के रखते हैं हमेशा। पर मैं तो जरूर देखना चाहूंगी आप तीनों को और सर को भी स्विमिंग करते हुए। मैडम क्या वो तो बस क्या फिर होएगा कभी भी, तो मैं कल ही आती हूँ, कल आके मैं देखती हूँ आप लोग कैसे बढ़िया जो है आपके सीखे हो, कौन से आपने जो है स्टाइल्स सीखे हैं, बैक स्ट्रोक नी फ्रंट स्ट्रोक नी मेंढक वाला सब देखती हूँ मैं आके। मैडम मैं तो नहीं आ सकता, मुझे दीदी के साथ में है ना किसी के मुंडन पे जाना है। गोपी जरा उस तरह लाइयो जरा। नहीं मैं आ जाऊंगा मैडम कल। हाँ क्योंकि जब तक मैं यो ना देख लूं कि आप तीनों बढ़िया तैराक बन चुके हैं, स्विमिंग आपको आ चुकी है, तब तक मैं कमिश्नर साहब को रिपोर्ट तो दूंगी नहीं, ठीक है ना? तो तय रहा, कल रिलैक्स रिजॉर्ट में मैं आऊंगी देखने आप तीनों को कितनी बढ़िया कर रहे हैं स्विमिंग, और अगर तुम तीनों में से कोई अगर ना तैर पाया तो Wow, 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 wow.
बहुत याद आएगी मुझे। अब मैं किसकी चंपी करूंगा, मैं किसके लिए कुत्ते बिल्ली की झूठी खीर लाऊंगा, मैं किसके गले में मैं टाई बांधूंगा। मुझे भी आप सबकी याद आएगी। मैं तोड़े बगैर कितना रवांगा, कितना रवांगा। सब यहीं रह जाएगा गोपी, तू देख लेना, ये टेबल यहीं रह जाएगी, ये कुर्सी यहीं रह जाएगी, ये फोन यहीं रह जाएगा, ये फाइलें यहीं रह जाएंगी, ये अखबार यहीं रह जाएगा, यहां तक कि तेरी यूनिफॉर्म भी यहीं रह जाएगी। लेकिन जो चीज यहां पे नहीं रहेगी गोपी, वो होगा तू, तू और मैं। कल मैडम जब पूल पे जाएंगे और उनको पता चलेगा कि हमने उनसे झूठ बोला है, तो फिर हमारी नौकरी तो जानी जानी है। यार गोपी, अब जब हम जुदा होने ही वाले हैं तो मैं तुझे बता दूं कि पिछले हफ्ते तेरे पैंट की जेब में से मैंने 500 रुपए लिए थे। Oh my God! गुलगुले, यार मैं भी तुम्हें बता दूं, अभी दो दिन पहले ना वो किराने वाले से 2000 का उधार लिया था मैंने तेरे नाम पे। ये तो गलत है यार। अरे क्या गलत है, क्या सही है, क्या दूध है, क्या दही है, हमारी नौकरी जाने वाली है, बस सिर्फ ये सही है। भैया, मैं जानता हूं कि यहां से निकाले जाने के बाद आपको और कहीं तो नौकरी मिलेगी नहीं, आप चाट का ठेला लगाएंगे, फिर वहां पे हसीनाओं का मेला लगेगा। फिर वहां पे हम दोनों आपके ठेले पे चाट पकौड़ी खाने आएंगे, है ना गुलगुले जी? हाँ। अरे बिल्लू, हम आएंगे यार तेरे चाट के ठेले पे, हम पानी के पताशे खाएंगे, टिक्की खाएंगे। हाँ बिल्लू। या वेलकम इज द, चटनी ज्यादा डालूं या कम इज द? अरे यार तुम लोग भी मेरी पान की दुकान पे जरूर आना और वहां पर आकर पान खाना, क्योंकि मुझे भी और कोई काम तो आता नहीं है ना। लेकिन ये सब कुछ सर की वजह से हुआ है। आये, अगर उन्हें थोड़ा सा भी तैरना आता होता ना तो हमारी नौकरी नहीं डूबती। हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन सर को भी ले डूबेंगे। अबे फंसवा दिया ना तुम लोगों ने, इतनी तारीफ करने की क्या जरूरत थी बे? जरा हमको क्या पता था सर ये इस तरह पूरा का पूरा मामला जो उल्टा पड़ जाएगा। अगर मम्मी जी को पता चल गया ना हमें तैरना नहीं आता, वो जिंदा जमीन में गाड़ देगी। आप बता नहीं सकते थे आपको तैरना नहीं आता? बुढ़ाओ तमीज से बात कर बे। सॉरी सॉरी। एक्सक्यूज मी, क्या टाइम क्या हुआ? अबे निकल जाओ यार, चल यहां से। सर मेरी तो सर अभी शादी भी नहीं हुई है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी, और अभी मेरी नौकरी जाने वाली है, बताइए सर। ओह माय गॉड, मॉम इज कम इज द, अब पड़ेगी धमाधम इज द। अरे यार क्या करे। कैसा लग रहा है सर? Have a good time sir. भाई देख लो। Good day ma'am, good day. चल चल चल। देख लो तैर रहे हैं, देख लो fast 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 fast. Hello everybody. मैडम तो आ गई है, और मैडम जो है बहुत बेकरार भी हो रही है यो देखने के लिए कि हमारे बालक कितने बढ़िया तैराक बन गए हैं जी। Well, इससे पहले मैं उतरू पूल में एक बात सीखी थी स्कूल में। कौन सी? Well, यही यही के सबसे आगे हमेशा गुरु को चलना चाहिए।